2019 के लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद फिर से विपक्षी पार्टियों ने आपस में गठबंधन करना तय किया है। सत्ता की छटपटाहट में 2024 के चुनावों को देखते हुए सभी विपक्षी पार्टियां एक बार फिर गठबंधन करने की ललायत हैं। अपनी मक्कारी और सत्ता पाने की छटपटाहट को छिपाने के लिए इस बार इन ठगबंदियों ने अपने इस गठजोड़ को पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस यानी राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक गठबंधन नाम दिया है। लेकिन इन पार्टियों के नेताओं में कितनी देशभक्ति है, आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। कांग्रेस इस गठबंधन की प्रमुख पार्टी होने के साथ साथ कांग्रेस देश के हितों से समझौता करने की लिस्ट में भी सबसे बड़ी है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया की रिमोट कंट्रोल वाली सरकार तक कांग्रेस का इतिहास सत्ता के लिए देश की सुरक्षा से समझौते से भरा हुआ है। कांग्रेसी नाकारेपन के चलते 1962 से भारत को चीन से हार का सामना करना पड़ा और अक्साई चीन भी भारत के हाथ से निकल गया। नेहरू के बाद इंदिरा के शासन में जब 1971 में हिंद की सेना के पराक्रम के चलते 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत के कब्जे में थे, तब इंदिरा ने अपने पिता की गलती सुधार कर पाक के कब्जे वाले कश्मीर को वापस मिलाने की जगह यूं ही पाक सैनिकों को रिहा कर दिया। वहीं इंदिरा के बड़े बेटे राजीव गांधी ने देश के साथ धोखा देने की खानदानी परंपरा को बखूबी निभाया। राजीव गांधी ने बोफोर्स घोटाला कर देश को ही नहीं सेना को भी कमजोर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। विदेश से आई सोनिया गांधी से देश के प्रति देशभक्ति की क्या ही उम्मीद की जा सकती है। चाहे चीन से MOU साइन करना हो या भारत की बॉर्डर का विकास न कर चीन के लिए खुला रास्ता छोड़ना हो। वहीं आज राहुल गांधी विदेश में भारत को बदनाम करना हो या देश की सेना से ही सबूत मांगकर हर बार अपनी देशभक्ति दिखाई देते हैं। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी BSF पर इल्जाम लगाती है और CBI का विरोध करती है, लेकिन बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर खूब प्यार जताती है। यही नहीं, ममता तो जो बांग्लादेशी बंगाल में बस गए हैं उन्हें भारत का नागरिक तक मानती है, लेकिन ममता की राजनीति को समर्थन ना करने पर ममता के गुंडे अपने राज्य के नागरिकों की हत्या करने पर भी नहीं हिचकिचाते। आम आदमी पार्टी खुद के लिए शीश महल बनाने वाले केजरी इतना देशभक्त है कि देश की राजधानी में जब दंगे होते हैं तो इसकी पार्टी के नेता शामिल होते हैं, तो वहीं केजरीवाल कभी खालिस्तानियों के घर रुक जाता है और उन्हें सपोर्ट करता है। मक्कारी में गले तक गोदे लगाने वाला केजरी तो सेना के शौर्य पर सवाल उठाने से बाज नहीं आया। राष्ट्रीय जनता दल चार्ज और लालू जिसने जंगलराज की सरकार चलाई, जिसे पुलवामा अटैक ड्रामा लगता है, शासन के नाम पर जंगलराज अपहरण और अपराध के दलदल में बिहार को धकेलने वाला, जनता के नाम पर केवल परिवार का भला करने वाला लालू यादव और उसका परिवार आखिर किस मुंह से खुद को देशभक्त बताता है। समाजवादी पार्टी राजनीति में चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाने वाला अखिलेश यादव फिर एक बार गठबंधन के सहारे अपनी पंचर साइकिल की नैया पार लगाने की फिराक में है। कभी आतंकियों की पैरवी करने के लिए कोर्ट से फटकार खाने वाला, तो कभी देश की वैक्सीन से लेकर पुलिस पर सवाल उठाने वाला, जिसने पाकिस्तान को भारत का दुश्मन नहीं माना, ऐसी पार्टी और उसका नेता खाक देशभक्त होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार इतना देशभक्त है कि महाराष्ट्र का CM रहते सिर्फ एक समुदाय के तुष्टिकरण के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाई कि 1993 सीरियल ब्लास्ट सिर्फ हिंदू नहीं समुदाय विशेष की एरिया से भी हुआ। आए दिन जिसकी पार्टी के नेताओं पर दाऊद की डी कंपनी से जुड़ने की खबरें सामने आती हैं, ऐसे पार्टी के नेता की खुद को राष्ट्रवादी कहने में जुबान कैसे नहीं लड़खड़ा जाती। DNK देश के पूर्व PM राजीव गांधी की हत्या में शामिल लोगों के साथ स्टालिन सहानुभूति रखता है और उनके साथ रिश्तों को जाहिर भी करता है। कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर जो देश को बांटने की बात करता हो, उस नेता की पार्टी भी आज पूरी बेशर्मी से खुद को राष्ट्रवादी और देशभक्त बताने पर तुली हुई है। राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ कर आने वाली इन पार्टियों की सच्चाई तुष्टिकरण, क्षेत्रवाद, जातिवाद, परिवारवाद है। आप ही बताइए, वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा तक का सौदा करने वाले ये मक्कार कौन से एंगल से खुद को देशभक्त या पेट्रियोटिक बता रहे हैं? जिन्होंने सारी उम्र देश के खिलाफ ही काम किया हो, तो कौन से मुंह से आज देशभक्त और लोकतांत्रिक गठबंधन बना रहे हैं?